हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने फ़ोन डायलर में अपनी फ़ोटो वीडियो को हाइड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित जी और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फ़ोन डायलर आप मेरा देख लीजिएगा, नीचे की तरफ है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका एप्लीकेशन का नाम दोस्तों जेड डायलर। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसकी परमिशन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा राइट का, आपने इस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर कोई आंसर मांग रहा है, जैसे मैं कोई भी आंसर डाल देता हूँ, मेरा ही नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या, नाम डालने का ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है, जैसे मैं 1 2 3 4 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ओके का बटन, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है पासवर्ड को और उसके बाद इसको डायल कर देना है। डायल करने के बाद ये पूरी तरह से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं बैक चलता हूँ। यहाँ से अगर आप कॉल करना चाहते हैं कहीं पर भी, अगर आप अपना कुछ भी डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायल करके वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कॉलिंग का ऑप्शन आ गया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर भी क्या कुछ छिपा हुआ है। इसके लिए आपको जैसे ये एप्लीकेशन है इसको इस पर क्लिक कीजिए, 1 2 3 4 हमारा कोड है, इसको डालकर ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इमेज का ऑप्शन आया, इमेज पे क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, आपने प्लस के आइकन पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों जैसे मैं एक पिक्चर को उठा लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक इसको सेट करने के लिए आपने इस पर टाइप करना है, ऊपर डन का ऑप्शन आ गया, आपने डन पे क्लिक कर देना है। ये पिक्चर हमारी हाइड हो गई है। अभी मैं उसके बाद यहाँ से वीडियो को भी आप हाइड करना चाहते हैं तो वीडियो पे टाइप करके यहाँ से प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, आपकी आईडी है, फाइल डेटा है, उसके बाद कैलकुलेटर वॉलेट है। यहाँ पर ये तो एक ऐड है शायद, तो आपने कुछ नहीं इसकी किसी भी सेटिंग होनी चाहिए ना, सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन, अगर लॉक स्क्रीन लगाना चाहते हैं यहाँ से पासवर्ड दे के आप लॉक स्क्रीन भी लगा सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था ये यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप चेंज कर सकते हैं। चलो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया ब्रेक इंट अलर्ट, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप ये आपको अलर्ट करता रहेगा अगर आपसे कोई रॉन्ग अटैम्प्ट डलता है, यानी कि कोई पासवर्ड गलत डाल देते हैं। उसके बाद आया फैक पिन, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आप कोई फैक पिन डाल के दिखाते हैं तो तब भी ये ओपन नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अनस्टॉल प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो ये अनस्टॉल नहीं होगी एप्लीकेशन कोई कितना ही जोर लगा ले। उसके बाद है हाइड ऐप आइकॉन, अगर आइकॉन ऐप का आइकॉन को हाइड करना चाहते हैं तो ये आपका आइकॉन भी हाइड हो जाएगा, इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप आइकॉन को हाइड कर देते हैं तो इसको कैसे निकाल ओपन करना है, तो यहाँ पर बोला गया डबल हैज 1 2 3 4 डालकर आप अपने आइकॉन को ओपन कर सकते हैं। या फिर आपको मैनेज, यहाँ पर आपको सेटिंग बताई गई है, आप इस सेटिंग के इसके हिसाब से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेटिंग की बात आई है, रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार सपोर्ट कर सकते हैं इनको अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो बैक चलते हैं, आपको समझ में आ गया, इमेज आ गई है हमारी, यहाँ पर आ गई। इस इमेज को आपने वापस अपनी गैलरी में भेजना है तो इसके लिए आपको इस पर सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद प्लस यहाँ पर एक आँख का आइकन आ गया, आँख के आइकन पर टाइप करेंगे तो ये आपकी गैलरी में वापस चली जाएगी। तो दोस्तों बैक चलते हैं, ऐसी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी कॉलिंग में भी आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो, अगर इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसको बस ओपन करना है तो 1 2 3 4 अपना जो भी लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद इसको कॉलिंग कर लीजिएगा, एप्लीकेशन आपकी पूरी तरह से ओपन हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस एप्लीकेशन में क्या कुछ है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर तो बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे अमेजिंग ट्रिक के बारे में जान सकें और अपनी किसी भी प्राइवेट डाटा को हाइड कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं और एक नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी ओल्ड वीडियो को देखिएगा और जानकारी लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।